जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा हम वाशी से भांडुप कैसे जाते हैं। भांडुप सेंट्रल मुंबई में है, सो लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ठाणे, इसलिए मैंने वाशी से ठाणे की लोकल ट्रेन पकड़ी है। अभी एक एक स्टेशन आगे बढ़ेंगे। अभी जो कि 12 बजने को आए हैं, इसलिए ज़्यादा क्राउड नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं लोकल में। लेकिन सुबह सुबह आएंगे ना दोस्तों, तो आपको इतना क्राउड मिलेगा, इतना क्राउड मिलेगा, आप यहाँ से उतर भी नहीं पाते हो। दोस्तों मुंबई में ना, खासकर नवी मुंबई में, पटरे के बाजू इन लोगों ने खेती किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अलग अलग सब्जियों की खेती करते हैं, फ्रूट्स भी लगाते हैं, तो यहाँ पे एक एडवांटेज है इन लोगों को, जो खाली जगह है ना उसको यूज़ किया गया है यहाँ पे, दिख रहा है आपको। और एक और चीज़, अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना तो रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप जब कभी आते हैं तो दरवाजे के सामने खड़ा मत रहना, ठीक है? नए लोगों को खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अचानक से क्राउड आती है, गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा। ये एरोली और थाने के बीच में दीघा एरिया है, वहाँ पे ये सारे माइंड स्पेस हो गया, ये कंप्यूटर आईटी के जॉब्स के जो हेड ऑफिस है यहाँ पर। अगर आपको याद है मैंने कहा था कि इनके हेड ऑफिस ना जॉब्स इन मुंबई की वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने कहा था आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो ऑफिस है ना, ये मेन मुंबई में है, और इनके जो इंटरव्यूज हैं यहाँ पे सब चलता रहता है आईटी कंप्यूटर्स वालों में। ये दीघा स्टेशन अभी अभी बना है, बिटवीन एरोली एंड ठाणे के बीच में इस नया स्टेशन। से ठाणे के बीच का एरिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ना, अब ये राइट साइड में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप, ये जो स्लम है, ये जो झोपड़पट्टी है, आपको लगता होगा ये सब गरीब लोग रहते हैं, नहीं, ये बहुत सारे हैं। इनके देखो, इनके छत पे देखो डिश टीवी है, तो पटरे के साइड में ऐसे लोगों ने घर बना रखे हैं। अभी मैं आपको कल्याण डोंबिवली, खोपोली, अंबरनाथ की ट्रेन दिखाता हूँ, वो रोड दिखाता हूँ। ये जो सामने ट्रेन दिखाई दे रही है हमारे साथ पैरेलल जा रही है, ये आ रही है कल्याण डोंबिवली अंबरनाथ उस साइड से, खोपोली उस साइड से। अगर आपको याद है मैंने वीडियोस को आपने देखा होगा पुराने, तो उसमें मैंने मैप को एक्सप्लेन किया था, राइट? ये दोनों के दोनों ठाणे जा रही है, ठीक है? अगर आपको वो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा होगा। गलती से मैं जो ये लगेज कंपार्टमेंट होता है ना सामान रखने का, सब वहां पे चला गया, वहां पे मत जाया करिए, नहीं तो टीसी पकड़ लेगा। ये देखो अभी हम उतरे हैं, हमारे जो लेफ्ट साइड में ट्रेन दिखाई दे रही है वो अपनी ट्रेन है, ठीक है? हमने ट्रेन पकड़ी थी सीएसटी वाली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है? अभी वो लेफ्ट साइड से जाएगी और अपने राइट साइड से एक और ट्रेन आएगी जो जाएगी टुवर्ड्स ठाणे, ठीक है? ये ट्रेन दिख रही है, हाँ। तो हमें जाना था भांडुप ना, तो भांडुप कहाँ पे है? सेंट्रल मुंबई में है बराबर। तो हमने ठाणे से सीएसटी चर्चगेट में नहीं होगी, तो हमने सीएसटी दादर ये वाली ट्रेन पकड़ ली है, ठीक है? तो आप देखेंगे, तो सीएसटी ट्रेन लेफ्ट चली गई। अभी हम भांडुप वेस्ट में जा रहे हैं ना, तो ब्रिज उतर के नीचे जाएंगे। अभी इस यहाँ से जो निकलने वाले हैं ना बाहर, अगर आप देखेंगे अपने राइट साइड में एक प्लेटफॉर्म है, एक पटरी है, तो वो ट्रेन जाएगी टुवर्ड्स ठाणे, ठीक है? अभी हम चेंज करके आ गए ना प्लेटफॉर्म, तो हम बाहर जा रहे हैं वेस्ट में, तो ये जो है ये टुवर्ड्स जा रही है ठाणे, ठीक है? ठाणे खोपली उस साइड। अ
दोस्तों माफ़ करना मुझे, थोड़ा कैमरा मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, थोड़ा विजन शेकेबल है। और मैं आपको दिखाना, ये जो सामने एरिया दिख रहा है, यहाँ पे टीसी 4-5 TC सुबह सुबह खड़ा रहता है भांडुप के यहाँ पे वेस्ट में, ठीक है। तो बिना टिकट ट्रैवल मत करना, सामने टिकट काउंटर है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ पे सब मिल जाता है तुमको खाना पीना। देखो ये टिकट काउंटर दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप टिकट निकाल सकते हो, चाहे वो खुद होके भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर टीसी से भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने कहा था मुंबई में, पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कहा था कि मुंबई में आपको जैसे बाहर निकलोगे ना, बहुत कुछ मिल जाता है, खाने पीने से लेके कपड़ा लत्ता सब, नाश्ता करना है, ऑटो है, ये ब्रिज है ऊपर दिख रहा है। देखो अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम से, तो ये ऑटो है, ठीक है। आप देखेंगे ना, ये जो ऑटो है ना, ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, हाँ, और ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है आपको ऑटो में जाने के लिए, ठीक है। इतना क्राउड है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, दिख रहा है ये भांडुप वेस्ट है। तो दोस्तों हाँ, ये अपने भांडुप अभी जो देख रहे हो, ये भांडुप हैं। तो इस वाले सेशन में हमने भांडुप को कैसे आना है था वाशी से नवी मुंबई से वो देखा। अगले वीडियो में आपको दूसरा सेशन, दूसरा जगह दिखाऊंगा, शायद वो आउट ऑफ महाराष्ट्र, कहीं गुजरात में हो, कहीं साउथ में भी जा सकते हैं। सो स्टे ट्यून, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।